हेलो एवरीवन क्या आपने कभी लीची आइसक्रीम ट्राई की है अगर नहीं तो आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस लीची आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ लीची का सीज़न है तो आज मैंने सोचा कि मैंगो वनीला आइसक्रीम से अलग हटकर आज मैं आपके लिए लीची की आइसक्रीम लेकर आऊँ जो बहुत ही डिलीशियस बनता है और सच मानिए ये आप अगर एक बार बनाएंगे ना तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा बनाने में भी काफ़ी आसान है और सबको बहुत पसंद आता है बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी बनता है और बहुत ही डिलीशियस लगता है आपको इस आइसक्रीम में लीची का फ़्लेवर इतना पसंद आएगा ना कि बस आप इसको हमेशा बनाना चाहेंगे तो आइए आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ली है 500 ग्राम के लगभग लीची तो लीची का ये जो स्टेम है इसको काट कर हम हटा देंगे और इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने लीची को अच्छे से वॉश करके रख लिया है अब इसके छिलके को हम निकाल लेंगे और इसमें जो अंदर सीड होता है ना उसको भी निकाल लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लीची का छिलका अलग कर लिया है और सीड भी निकाल करके लीची को एक बोल में रख लिया है अब हम क्या करेंगे इसको फ्रीज़ करेंगे तो सबसे पहले इस तरह से मैं एक क्लिंग रैप से इस बोल को ढक दे रही हूँ आप चाहें तो किसी एयर टाइट कंटेनर में भी लीची को रख कर के फ्रीज़ कर सकते हैं तो इसको छः से आठ घंटे के लिए रख देंगे फ्रीज़र में अब एक पैन में हम ले लेंगे एक कप दूध इस रेसिपी में बस एक कप दूध की हमें ज़रूरत है और इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप मिल्क पाउडर यहाँ पे रेगुलर जो भी मिल्क पाउडर आपके घर पे है वो आप ले सकते हैं और इसमें वन फोर्थ कप ऐड करेंगे चीनी और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इस तरह से मिक्स करना है कि इसमें कोई लंप ना रहे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई है दूध में और अब हम इस पैन को रख देंगे गैस के ऊपर और मीडियम फ्लेम पर इसको हमें पकाना है तो इसको लगातार चलाते रहेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे थोड़ी देर में दूध में उबाल आ जाएगा इसको लगातार हमें चलाते रहना है नहीं तो दूध जो है ये पैन के तले में लग सकता है दूध में उबाल आ चुका है तो इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर का घोल थोड़ा सा इसको थिक करने के लिए तो यहाँ पे एक टेबलस्पून स्पून कॉर्नफ्लावर को मैंने दो टेबलस्पून पानी के साथ मिक्स कर लिया है और कॉर्नफ्लावर का घोल जो तैयार हो गया उसको हम ऐड कर देंगे उबलते हुए दूध के अंदर और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे फ्लेम हम इस समय लो कर देंगे और लो फ्लेम पर लगातार चलाते जाएंगे इसको धीरे धीरे चलाते चलाते आप देखेंगे कि ये मिक्सचर थिक होने लगा है और ये देखिए इस तरह का बहुत ही क्रीमी सा मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है ये देखिए कितना बढ़िया इसका स्मूथ सा टेक्सचर भी है तो इस तरह से ये दूध हमारा आप देख सकते हैं कि गाढ़ा हो गया है तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये जो दूध का मिक्सचर है इसको हम ठंडा होने देंगे थोड़ा सा जब यह मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसको हम बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा गाढ़ा सा ये मिक्सचर तैयार हो गया है तो अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे इसको हम ढक देते हैं क्लिंग रैप से आप चाहें तो किसी एयर टाइट -एड कंटेनर में भी इसे रख सकते हैं तो इसे फ्रीज़र में नहीं रखना है इसको बस फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और ये देखिए छः से आठ घंटे के बाद जो हमारी लीची है ना अच्छे से फ्रीज़ हो गई थी तो इसको अब हम निकाल कर इसको ब्लेंड करेंगे तो ये देखिए लीची हमारी अच्छे से फ्रीज हो गई है इसको ब्लेंडर जार में डाल देते हैं और साथ में ही जो दूध का मिक्सचर हमने ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखा था उसको भी हम ऐड करेंगे इसमें तो ये देखिए दूध का जो मिक्सचर हमने फ्रिज में रखा था इसको भी मैंने निकाल लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर और थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है ये देखिए इस तरह का हो गया है तो अब हम इसको लीची के साथ ब्लेंड करके इसको भी स्मूथ कर लेंगे तो ये देखिए लीची के साथ मैंने इसको ऐड कर दिया है आप चाहें तो यहाँ पे बड़ा मिक्सी का जार भी ले सकते हैं अब सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करके स्मूथ कर लेंगे ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो गई है लीची और जो दूध का मिक्सचर था वो अच्छे से ब्लेंड होकर मिक्स हो गया ये देखिए इसका टेक्स्चर अब हम क्या करेंगे थोड़ी सी क्रीम को हम विप कर लेंगे तो यहाँ आधा कप के लगभग मैंने चिल्ड विपिंग क्रीम ली है तो ये जो क्रीम है ना आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी तो ये जो क्रीम है इसको हमें चिल्ड यूज़ करना है ये काफ़ी ठंडी होनी चाहिए जिससे कि अच्छे से वप हो जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अगारो 300 हंड्रेड वॉट का जो इलेक्ट्रिक बीटर है वो ले लिया है और उससे मैं इस क्रीम को बीट कर रही हूँ और ये देखिए क्रीम को हमें बहुत ज़्यादा बीट करके स्टिफ पीक्स के स्टेज तक नहीं ले जाना है बस सॉफ्ट पीकस आ जाएँ उतना ही हमें क्रीम को बीट करना है अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम ना हो तो आप नॉर्मल जो अमूल का फ्रेश क्रीम होता है ना वो भी ले सकते हैं तो ये देखिए क्रीम हमारी बीट हो चुकी है और सॉफ्ट पीक स्टेज तक आ चुकी है ये देखिए क्रीम बहुत ज़्यादा स्टिप भी नहीं हुई है तो अब हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे दूध और लीची को जो हमने ब्लेंड करके मिक्सचर बनाया था ना उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे ये देखिए और अब एक बार फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से बीट कर लेंगे आप ये वाला जो प्रोसेस है ना ये मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक बीटर ही यूज़ करें आप मिक्सर ग्राइंडर में भी इस प्रोसेस को आराम से कर सकते हैं तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है और एकदम फ्लफ़ी सा ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया ये देखिए एकदम लाइट और फ्लफ़ी ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया आइसक्रीम का तो अब हम इसको सेट करने के लिए एक एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे तो आपके पास जो भी कंटेनर हो ना वो आप ले सकते हैं तो यहाँ पे इस तरह का एक एयर टाइट कंटेनर मैंने लिया है और इसमें ही हम आइसक्रीम को सेट करेंगे तो सारा जो आइसक्रीम का मिक्सचर है ना वो मैंने इसमें डाल दिया ये देखिए तो आप देख सकते हैं एक कप दूध से हमारी कितनी ढेर सारी आइसक्रीम तैयार हो गई है और अब हम इसको ढक देंगे और एयर टाइट कंटेनर को अच्छे से पैक करके हम फ्रीज़र में रख देंगे जब तक कि आइसक्रीम हमारी सेट ना हो जाए इसको सेट होने में छः से आठ घंटे का समय लगता है और ये लीजिए छः से आठ घंटे के बाद हमारी जो आइसक्रीम है ना ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी लीची आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है आप चाहें तो इसको बीच में एक बार और मिक्सर ग्राइंडर में ब्लेंड भी कर सकते हैं उससे हमारी जो आइसक्रीम है ना और भी ज़्यादा क्रीमी बन जाएगी लेकिन आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक ही बार इसको ब्लेंड किया था लेकिन फिर भी ये आइसक्रीम हमारी कितनी सॉफ्ट बनी है ये देखिए कितना बढ़िया इसका स्कूप आया है तो इस तरह से इसको स्कूप करके हम सर्व करेंगे ये देखिए कितनी सॉफ्ट आइसक्रीम बनी है बहुत ही बढ़िया बनती है और बहुत ही आसान सा तरीका है आप देख सकते हैं तो इस तरह से हम लीची आइसक्रीम को स्कूप करके सर्व करेंगे आप चाहें तो इसके स्लाइसेस कट करके भी सर्व कर सकते हैं जैसा भी आपको पसंद हो तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी लीची आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है तो ये देखिए ये आइसक्रीम को थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं हम टूटी फ्रूटी से ताकि ये देखने में भी बहुत सुंदर लगे तो यहाँ पे कलरफुल वाली जो टूटी फ्रूटी होती है ना उसको मैं आइसक्रीम के ऊपर डाल दे रही हूँ तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में बहुत ही यमी लग रहा है और बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी हमारी आइसक्रीम बनी है तो आइए आइसक्रीम को हम ट्राई करते हैं ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हमारी लीची आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है तो अभी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर sure आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगी आइसक्रीम और ये नए तरह का फ्लेवर एक बार ट्राई करना तो बनता ही है एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर गुड बाय